नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में लॉकडाउन को लगे हुए करीब 2 महीने हो गए। लॉकडाउन में अपने घर की तरह पैदल बसों ट्रकों से निकले मजदूरों कामगारों के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई, लेकिन इन श्रमिक ट्रेनों में सिर्फ किस्मतदार मजदूर ही सफर कर पा रहे हैं। अब इन श्रमिक ट्रेनों को लेकर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जहां इन ट्रेनों को घंटों घंटों आउटर पर रोका जाता है, तो वहीं अब मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। ये ट्रेन 21 मई को शाम 7:20 पर मुंबई के वसई स्टेशन से चली थी। श्रमिक एक्सप्रेस को 22 मई को गोरखपुर पहुंचनी थी, लेकिन गोरखपुर ना पहुंचकर ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। इस पर कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने श्रमिक ट्रेन के यात्री का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, मुंबई से गोरखपुर जाने के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन राउरकेला ओडिशा पहुंच गई क्योंकि ड्राइवर रास्ता भूल गया। और यूपी जाने के गोरखपुर और ये उड़ीसा में लाके खड़ा कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग बहुत परेशानी में, हम लोग रास्ता ही भूल गया, ड्राइवर बोल रहे हैं। हाँ, हमको जाने का था गोरखपुर, जाने का था वैसे उतरना था हमको कानपुर, लेकिन ये गाड़ी गोरखपुर छूटी है भाईंदर बॉम्बे से, लेकिन अभी ये ट्रेन पता नहीं किस रूट से जा रही है, ये उड़ीसा गाड़ी जा रही है। अभी राउरकेला आया तो समझ में आया कि हाँ राउरकेला आया, तो वहाँ से गाड़ी बहुत ही आउट रूट से जा रही है। ये कब गोरखपुर पहुँचेगी, कब अपने घर पहुँचेगी, वो हमारे समय में नहीं आ रहा है। वसई से गोरखपुर के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन का रूट डाइवर्ट होने को लेकर पश्चिम रेलवे सफाई देते हुए ट्वीट किया कि बड़ी संख्या में श्रमिक ट्रेनों के चलने की वजह से जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर रूट पर काफी ट्रैफिक था, इसीलिए अस्थायी तौर पर वसई रोड, उधना, सूरत, वलसाड, अंकलेश से जाने वाली वेस्टर्न रेलवे को बिलासपुर, झरसुगड़ा, राउरकेला रूट पर डाइवर्ट किया गया। रूट बदलने के चलते ओडिशा में ट्रेन के पहुंचने के बाद यात्रियों ने हंगामा किया था, जिसके बाद पश्चिम रेलवे की तरफ से ये सफाई जारी की गई।